हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू जीडीपी क्लासेस जोहार झारखंड में दामोदर वेद में। आज आपको बताऊंगा जो आपको बता रहे थे, क्या बता रहे थे, क्रैश कोर्स बता रहे थे किसका, क्लास टेंथ का, कौन सब्जेक्ट का, मैथ सब्जेक्ट का हम बता रहे थे। ठीक है, तो मैथ का हम जो क्रैश कोर्स बता रहे थे उसी का आज क्या है, डे 9 है। ठीक है, जिसमें हम आपको बताएंगे प्रश्न वाले 8.2, जिसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक नंबर तो बता दिए थे किसमें, इसमें डे 7 में बता दिए थे। ठीक है, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, डे 7 का वीडियो में बताए थे 8.2 का 1 नंबर 2। आज को हम लोग 8.2 का 2 नंबर 2 यहाँ पे देखेंगे, 1 नंबर 2 हम बता चुके हैं तो उसका फिर बताने का कोई जरूरत नहीं, 2 नंबर 2 हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है तो हो सकता है कि क्वेश्चन में क्या हो, पूछ दे ऑब्जेक्टिव तुम लोग का। ठीक है, इसीलिए जो क्या करेंगे इठो बताना जरूरी है। ठीक है, दिए गए विकल्प चुनिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या करना है, इसको एक चुनना है और अपने अपने मतलब जो हम लोग बनाएंगे उठो। ठीक है, विकल्प का क्या दीजिए। ठीक है, इसको ही करना है। देखो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 का 1 नंबर क्या बता रहे हैं, 2 tan 30 degree बट्टा 1 plus tan square 30 degree, ये दिया हुआ है। ये बराबर होगा किसके, पहला ऑप्शन में दिया हुआ है sin 60 degree, दूसरा ऑप्शन में दिया है cos 60 degree, तीसरा ऑप्शन में दिया है tan 60 degree और चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है sin 30 degree। अभी किसके बराबर होगा, अब अंदाजे तो हम लोग इसको नहीं ना बना सकते हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको अंदाजे क्या कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं नहीं ना, इसको हम लोग क्या करेंगे बना के देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जो ये है उसको लिखेंगे 2 tan 30 degree। देखो ये हम लोग का क्वेश्चन है 2 tan 30 degree प्लस 1 plus tan square 30 degree। ठीक है, तो 2 tan 30 degree का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है ना, यहाँ पे 1 plus 1/√3 का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2/√3 होगा और यहाँ पे 1 plus 1/1 का स्क्वायर 1 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। यहाँ पे 2/√3 लेंगे, फिर यहाँ पे LCM लेंगे तो कितना होगा, 3 plus 1/3 होगा। जब इसको हम लोग बनाएंगे आगे में पूरा आ रहा है देखो, तो बोर्ड तक यहाँ नीचे तक। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, 2/√3 और इसको 4/√3 होगा, यहाँ पे बराबर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, 2/√3, अब यहाँ पे 3 2 क्या होगा, ऊपर चल जाएगा, 4 2 नीचे आएगा, 2 2 जा 4, तो √3 जो 3 होता है इसको 3 × √3 का गुना करेंगे तब 3 होता है। जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे √3 हम लोग लिख सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3/2 होगा। तो √3/2 कितना का वैल्यू होता है, 0 1/2 sin 60 degree 1/√2 √3/2 sin 60 degree का है ना वैल्यू होता है। इसका कितना होता है, 1/2 हो गया, इसका √3 हो गया और इसका 1/2 ना, यही ना होता है, कोई दिक्कत। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, पहला नंबर, चलो पहला ऑप्शन हो गया ना, तो इधर देखो हम लोग दूसरा ऑप्शन की ओर, सॉरी पहला नंबर बन गया तो हम लोग दूसरा नंबर की ओर बढ़ेंगे। चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या बता रहा है दूसरा क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन बता दिया, अब दूसरा सवाल देखो, इसमें इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव जो भी दिया हुआ है ना, ऑब्जेक्टिव तुम्हारे एग्जाम में आएगा तो ये तो जानना भी बहुत जरूरी है, तो आएगा भी, समझ में आया। दूसरा नंबर सवाल देखो, दूसरा सवाल क्या बोल रहे हैं, दूसरा सवाल क्या बता रहा है कि देखो यहाँ पे 1 minus tan square 45 degree plus 1 plus tan square 45 degree बराबर है, इसके बराबर होगा, पहला नंबर ऑप्शन में दिया है 90 degree, सॉरी था वैल्यू आगे 10 90 degree, बी नंबर में 1, सी नंबर में sin 45 degree और डी नंबर में 0, ए बी सी डी दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे बिटाएंगे, समझ में आया। देखो क्या क्वेश्चन सही है, मिला ली एक बार, 1 minus tan square 45 degree है ना, और यहाँ पे 1 plus tan square 45 degree है, तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 minus tan 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 1 plus 1 का स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत
वन माइनस वन और यहाँ पे वन प्लस वन, तो वन में वन गया जीरो बटा वन, सॉरी जीरो बटा टू आया, तो जीरो के नीचे कुछ भी रहा क्या होगा, जीरो। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो ये तो डी की तरह ही लग रहा है, तो जीरो होगा, समझ में आया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखो तीसरा नंबर सवाल क्या बता रहा है, इधर देखो तीसरा नंबर सवाल क्या बता रहा है, तीसरा नंबर सवाल। ठीक है, इधर रोमन में दिया है तो रोमन में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर तीसरा नंबर क्या बता रहा है कि साइन टू ए, ठीक है, बराबर टू साइन ए, ये दिया हुआ है। बोलता है कि देखो इधर क्या होता है, तब तब सत्य होता है, तब सत्य होता है जबकि जबकि ए बराबर, ए बराबर लिखा हुआ है, ए बराबर है, ए किसके बराबर है, पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है जीरो, दूसरा ऑप्शन में 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन में 45 डिग्री और चौथा ऑप्शन में 60 डिग्री। समझ में आया। अब देखो इसमें क्या बता रहा है, टू साइन टू ए, साइन टू ए का एक फॉर्मूला ही होता है, साइन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है जानता है, साइन टू ए बराबर क्या होता है, टू साइन ए इंटू कॉस ए। समझ में आया, इधर का फॉर्मूला होता है, इधर याद कर लेना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ पे क्या होगा, टू साइन ए, अब टू साइन ए, टू साइन ए इधर इधर कट जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, कट गया हमने, यहाँ पे वन बचा ना रे, तो कॉस कितना का वैल्यू वन होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू वन होता है ना रे, तो इधर कॉस कॉस हट जाएगा, तो ए बराबर कितना आया, जीरो, मतलब कौन ऑप्शन ए। समझ में आया, तो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो जीरो कितना नंबर में आया, पहला ऑप्शन ए में। समझ में आया ना, तो तीन नंबर। अब आज देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं चार नंबर की ओर। चार नंबर देखो क्या बता रहे हैं, देखो इधर समझेगा, ठीक है, चार नंबर क्या बता रहा है, चार नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए चार नंबर क्या बता रहा है, इधर देखेगा, टू टेन 30 डिग्री रहा, प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, ये बोलते हैं बराबर है। किसके बराबर है ये तो देखना है, ठीक है, पहला ऑप्शन में कितना दिया है, कॉस 60 डिग्री, दूसरा में साइन 60 डिग्री, तीसरा में टेन 60 डिग्री और चौथा में साइन 30 डिग्री। समझ में आया, तो हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है। तो पहले टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है ना, लेकिन टू टेन 30 डिग्री वन माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो टू टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, और यहाँ पे 1/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2/√3 होगा, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 3 होगा ना, तो यहाँ पे कितना होगा, 2/, देखो बढ़िया से समझेगा, 2/√3 है ना, ये वाला बड़ा वाला एक केट है, तो यहाँ पे बराबर लेंगे ना, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, इसको घटा करेंगे 3 माइनस 1, इधर देखो 2/√3 और 3 में 1 गया 2 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कितना होगा, 2/√3 और यहाँ पे 3 ऊपर 2 नीचे, इसको इससे काटेंगे √3 होगा, ठीक है ना, इसको इससे काटेंगे कितना होगा, √3 सिर्फ बचाना, तो √3 कितना का वैल्यू होता है, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, इसका मान √3 और इसका 1/√2, सॉरी 1/3
ही ना होता है, इसे वैल्यू पूरा फास्ट याद होना चाहिए, समझ में आया? कहे का आप बोलेगा सर का बाद में भी याद कर लेंगे, इधर कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगा ही, इसलिए इसे क्या होना पूरा याद होना चाहिए, समझ में आया? देखो इधर चार नंबर क्या हो गया, बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तीन नंबर की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है? तो चलो इसको एक बार उतारेगा तो उतार लो, ठीक है? फिर हम लोग किसके ओर बढ़ेंगे, तीन नंबर की ओर बढ़ेंगे। चलो इसको क्या करते हैं, एक बार साफ कर लेते हैं, ठीक है? मोबाइल चुने मना। चलो दो नंबर बता दिए थे, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन तुम लोग का आएगा, इसीलिए ऑब्जेक्टिव भी बता दिए। अब यहाँ पे तीन नंबर सवाल देखो, तीन नंबर में क्या है, एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बता रहा है कि यदि टेन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री और टेन ए माइनस बी बराबर वन बाई रूट थ्री, ए ग्रेटर देन ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री, ए ग्रेटर देन बी हो तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है? ए और बी का मान क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर टेन ए प्लस बी लिखेंगे, यहाँ पे तो इस तरह ले लेते हैं, तब जगह और भी बढ़ जाएगा। उधर ए प्लस बी बराबर कितना है, रूट थ्री। आप देखो इधर समझो, इधर हाँ हम समझ गए। देखो टेन कितना का मान रूट थ्री होता है, बोलो तो इधर समीकरण ए। फिर क्या लिखेंगे, टेन ए माइनस बी बराबर कितना लिखेंगे, वन बाय रूट थ्री लिखेंगे। इधर समझेगा, टेन ए माइनस बी बराबर कितना होगा, टेन 30 डिग्री का मान होगा, तो टेन टेन हट जाएगा, तो ए माइनस बी बराबर कितना होगा, 30 होगा। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, दो। अब क्या करेंगे, जोड़ देने से भी बन जाएगा, लिखेंगे समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, और समीकरण दो को जोड़ने पर, समीकरण एक और समीकरण दो को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखो समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर, जब एक और दो को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब इसको जोड़ेगा तो क्या होगा, ए और ए जोड़ेगा तो 2a, बी और बी कट जाएगा, यहाँ पे कितना 30 और 60 90, तो ए बराबर कितना हो गया, 90/2 मैंने 45 डिग्री। अब ए का मान समीकरण एक में रख दो, देखिएगा ए का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक में क्या करेगा, ए का मान रखने पर, मैंने ए का मान रखेगा, ए का मान कितना है, समीकरण एक में क्या है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है ना, ए का मान कितना आया, 45 डिग्री आया, प्लस बी बराबर कितना होगा, 60 डिग्री, तो बी बराबर कितना होगा, 60 माइनस 45 होगा ना, रे 60 में 45 गया तो 15 होता है ना, 15 होगा, बी बराबर इतना, तो इठो क्या हो गया, एक गो आंसर हो गया, और इठो भी क्या हो गया, एक गो आंसर हो गया, समझ में आया, कोई दिक्कत? चलो इसको उतार लो, क्या है, इठो 8.2 का 3 नंबर, चलो इसको उतारो। चलो इसको क्या करेंगे, एक बार साफ कर लेते हैं, ठीक है? देखो इधर चार नंबर सवाल क्या बता रहे, देखो बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है और कौन असत्य है, और अपने जो उत्तर है उसके कारण भी बताना है, समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो देखो जब ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए को फॉर्मूला ही है, ठीक है, इसका ई वाला फॉर्मूला नहीं होता है, तो क्या हो गया, असत्य, समझ में आया? देखो बोले थीटा के वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखो जैसे थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा के मान में बढ़ेगा, जैसे देखो यार साइन थीटा के मान, देखो पहले मान लो 0 डिग्री लेंगे तो साइन 0 का मान कितना होगा, 0, फिर 3 डिग्री जैसे लेंगे तो कितना हो गया, 1/2, इससे बढ़ा ना, फिर 0 1/2, फिर 45 डिग्री लेंगे साइन 45 1/2 होगा, 0 1/2 1/√2 बढ़ा ना, फिर 0 0 3 45 सब 60 डिग्री, 0 1/2 1/√2 √3/2 बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इससे बढ़ रहा है। फिर अगर हम लोग लेंगे साइन 90 डिग्री तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1,
मतलब क्या हो रहा है, बढ़ तो रहा है ना रे, तो इसका क्या होता है, मन में वृद्धि होता है। तीनों क्या बता रहा है, सत्य। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, सत्य हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, थीटा के मान में वृद्धि के साथ तो कॉस के मान में वृद्धि होता है, कॉस के मान में वृद्धि होगा, कॉस जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। और इसका मान कॉस 30 डिग्री का मान रूट थ्री बाई टू, 45 का मान वन बाई रूट टू, फिर कॉस 60 डिग्री का मान वन बाई टू हो जाता है, और कॉस 90 डिग्री का मान जीरो। तो क्या बढ़ रहा है, नहीं तो क्या हो रहा है, घट रहा है ना, कॉस होगा साइन की, हाँ यहाँ पे कॉस होगा ना, कॉस 90, इसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब इधर बढ़ रहा है ना। तो जब घट रहा है तो इधर क्या बता रहा है, गलत बता रहा है। क्यों गलत बताया, समझ में आया ना कारण, देखो यार बोलते हैं कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। मान लो थीटा का जो ई लेंगे, कोई एक को मान ले लो, जैसे साइन जीरो डिग्री लेंगे और यहाँ पे कॉस जीरो डिग्री, क्या दोनों बराबर होगा, जीरो का मान जीरो, इसका मान वन हो गया, तो कभी बराबर होगा नहीं, इतना भी क्या हो गया, असत्य। यहाँ पे लिखेंगे असत्य, कारण बता दिया ना रे, तो बाद में नहीं ना बोलेगा कि इतो ऐसे अंदाजे बोल दिए। देखो ए बराबर जीरो तो कॉट परिभाषित नहीं है, देखो कॉट जीरो डिग्री का मान कितना होता है, जीरो वन बाई जीरो होता है ना, अपरिभाषित, इसको हम लोग भाग नहीं दे सकते, तो क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया ना, समझ में आया, तो क्या हो गया, सत्य ही बता रहा है, परिभाषित नहीं है, तो भी तो अपरिभाषित मतलब परिभाषित नहीं है ना, अबा इटो भी क्या बता रहा है, सत्य बता रहा है, समझ में आया, सबका कारण भी बता दिए, कोई दिक्कत, चल इसको जल्दी से उतारो, फिर अगला बता रहे, चल इसको उतारो जल्दी से, समझ में आया, उतारो। चलो यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो बुक में, क्या है कि 8.2 खत्म हो गया ना, तो 8.2 खत्म हो गया, तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, उसको हम लोग लिख देते हैं, उसको क्या करना है, याद करना है, लिखेगा तो लिखो, नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुक में है तो इसको क्या करना होगा, याद तो करना होगा ना, साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, कॉस थीटा हो जाता है, थीटा के जगह हम लोग ए लिया तो ए हो जाएगा, ठीक है, साइन 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस। अब मान लो यहाँ पे टेन 90 माइनस ए रहा तो क्या होगा, टेन का क्या बन जाता है, कॉट ए बन जाएगा। अगर मान लो सेक रहा, सेक 90 माइनस ए रहा तो इसका क्या बन जाता है, कॉसेक, ठीक है, इसका सबका अलग अलग बन जाए, सेक का क्या बनता है, कॉसेक। अगर कॉस रहा, कॉस 90 माइनस ए रहा तो कॉस 90 माइनस ए का क्या होता है, साइन हो जाता है, साइन ए, ठीक है। फिर यहाँ पे मान लो कॉट रहा, कॉट 90 माइनस ए रहा तो इसका तो क्या बन जाता है, टेन ए, साइन कॉस और टेन हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, कॉसिक, कॉसिक 90 माइनस ए रहा तो यहाँ पे क्या बन जाता है, सेक ए बन जाता है, समझ में आया, ये तो क्या करना है, याद कर लेना है, और ये तो जरूरी भी है। अब बोलो सर कैसे जरूरी है, तो देखो इसको समझा देते हैं, क्या टेन मान लो 65 डिग्री रहा, ठीक है, उदाहरण का क्वेश्चन तो लिख ही लेते हैं फिर समझा देते हैं। देखो उदाहरण 9 में क्या बता रहे हैं कि टेन 65 डिग्री और यहाँ पे क्या रहा, कॉट 25 डिग्री का मान निकालिए, देखो इसका मान निकालना है, तो हम लोग कैसे मान निकालेंगे कि दोनों को बराबर करेंगे तभी ना मान आएगा, दोनों को कैसे बराबर करेंगे, टेन को कॉट में बदलो या कॉट को टेन में बदलो, किसको बदलेंगे बोलो, देखो बुक में तुम्हारा क्या बदला है बोलो, तो कॉट को टेन में बदला है ना नीचे वाला को, तो हम लोग थोड़ा उल्टा करते हैं, समझ में आया, तो हम लोग देखो क्या लिखेंगे, ऊपर वाला को बदलते हैं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट 90, इस तरह लिखेंगे, टेन 90 माइनस 65 करेंगे बोलो, है जब इसको 65 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 25 आएगा, तो यहाँ पे 25 है तुम्हारा नहीं, तो यहाँ पे कितना लिख करेंगे हम, 10 25 करेंगे, समझ में आया, तो cot तो तुम्हारा यहाँ पे क्या है, cot 25 है ना, है देखो 10 90 माइनस थीटा पे क्या बन जाता है, cot थीटा बनेगा, cot 25, और इधर भी तुम्हारा क्या है,
कॉट 25 कटेगा तो कितना हो गया, एक आंसर होगा, कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, समझ में आया? अगर मान लो दूसरा एक अपने से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, टेन कितना रहा, 85 रहा, तो यहाँ पे कॉट कितना होगा, 15 होगा। अब देखो और एक बात याद रखना, सॉरी कॉट तब यहाँ पे 5 होगा। देखो यार देख रहा सब, इधर देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि दोनों को जब जोड़ेगा ना देखना हमेशा 90 आएगा, 65 और 25 90 होता है, तो 85 और 5 90 होगा। अब देखो जब हम लोग इसको बदलेंगे, टेन 85 रहा, अब मान लो इसको बदलेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, जब इसको हम लोग बदलेंगे तो क्या करेंगे, टेन लिखेंगे, टेन कॉट कितना लिखेंगे, 90 माइनस 85 करेंगे तब ना तुम्हारा यहाँ पे 5 होगा रे, तो कॉट 5 बना ना इसे 90। देखो अब कैसे बनता है, देखो कॉट 85 90 में गया तो 5 है ना हमारे, लेकिन जब हम लोग इसको इस फॉर्म में सेटिंग किए 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बन जाता है, टेन था ना, टेन 85 डिग्री, अब कॉट तो क्या बन जाएगा, टेन बन जाएगा, और टेन का थीटा कितना है, 85 है, तो 85 तो दोनों मिल गया, तो यहाँ पे कितना हो गया इसका आंसर, एक होगा। कैसे वो समझ में आया, और एक बार बढ़िया से समझ लो, टेन की जगह हम लोग टेन किए, ठीक है, और क्वार्ट की जगह क्वार्ट किए, लेकिन यहाँ पे 5 लाना है ना, तो 90 में हम लोग 85 को घटाएंगे तभी ना 5 आएगा, तो 90 में 85 को घटाए तो 5 हो गया, तो क्वार्ट 5, लेकिन जब इसको 90 से कुछ घटाएंगे तो फिर ई फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, समझ में आया? तो जब ई फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा तो क्वार्ट के बिठाए तो टेन का ये आ गया ना, समझ में आया? देखो कैसे इसका समझ याद कैसे रखेगा, देखो इसको समझाएंगे एग्जांपल दे एक को। देखो जैसे कोई आदमी रहता है, ठीक है, थोड़ा एग्जांपल नहीं दे रहा, नहीं तो बता दे रहा, जैसे कोई एक आदमी रहता है, जब वो घर में रहता है तो उसको क्या होता है, भाई होता है किसी का, ठीक है, लेकिन जब वो स्कूल चल जाता है, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, विद्यार्थी, विद्यार्थी बन जाता है, स्टूडेंट, ठीक है, कैसे बना, क्योंकि स्कूल का नियम है, है कि नहीं है, तो यहाँ पे भी 90 का ये क्या है, कोई नियम है, नियम मैंने क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ, जब ये फॉर्मूला के चलते क्या बन गया, विद्यार्थी बन गया, तो यहाँ पे भी तुम्हारा क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला के फॉर्म में सेट हो गया ना, ऐसे भी तुम देखेगा तो क्या हो गया, कॉट 90 में 85 गया तो कॉट 5 बना, कॉट 5 बना तुम्हारा क्या हो गया, लेकिन जब 90 के फॉर्म में आ गया तो क्या बन गया, तुम्हारा चेंज हो गया, कॉट तो किस में चेंज हो गया, टेन में चेंज हो गया, टेन हो गया तो क्या, दोनों मिल गया तो एक आंसर हो गया, समझ में आया? अब क्यों हुआ, क्योंकि स्कूल का रूल है, तभी वो स्टूडेंट बना, तो उसी तरह यहाँ पे साइन का, साइन कोसेक का रूल है, उसके चलते क्या होता है, जो बदल जाता है, समझ में आया? तो इसको उतारो, ठीक है, घर में क्या होता है, जो घर हो गया, हाँ देखो जो क्या हो गया, घर हो गया, देखो चलो इसको उतारो, जल्दी से उतारो फिर आगे बताएंगे, उतारो इसको, चलो हम लोग उदाहरण 10 देखते हैं क्या बता रहा है, बता रहा है कि यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री हो तो 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन 3a दिया हुआ है ना, बराबर क्या है, कॉस a माइनस 26 डिग्री है, तो a का मान निकालना है ना, तो हम लोग साइन को साइन में बदलेंगे तो साइन रहेगा इधर, उधर भी साइन रहेगा तब ना बराबर होगा, इधर देखो या फिर कॉस रहेगा या तो इधर भी कॉस रहेगा तब ना हम लोग कैंसिल करेंगे। देखो इसको हम लोग बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़ा लिखने के चक्कर में बहुत बड़ा लिख जाए, साइन ए माइनस 26 डिग्री इतना बड़ा लिखने से अच्छा हम लोग इसी को साइन को ही क्या करेंगे, कॉस में बदल देंगे, समझ में आया? तो साइन को हम लोग कॉस में कैसे बदलेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 90 माइनस 3 है, कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत है रे, यहाँ पे बराबर की जगह बराबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस, यहाँ पे देखो रे यहाँ पे इसको इसी तरह लिखेंगे ना, यहाँ पे कॉस के फॉर्म में चेंज कर देंगे, देखो इधर देखो फिर कॉस के फॉर्म में जैसे हम लोग इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए माइनस 26 डिग्री, अब देखो कॉस कॉस क्या होगा कैंसिल हो गया, तो 90 माइनस 3 ए बराबर कितना हो गया, ए माइनस 26, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 90 प्लस 26 बराबर कितना हो जाएगा,
ए और इधर का ए फोर ए बनेगा, अब इसको जोड़ेंगे तो छः और इधर इलेवन होगा बराबर, सॉरी यहाँ पे थ्री ए है ना, थ्री ए और एक फोर ए बनेगा, तो ए बराबर कितना होगा वन वन सिक्स बाई फोर, जब इसको भाग देंगे ए बराबर कितना होगा चार दो आठ नौ चार छत्तीस उनतीस डिग्री बना, तो ए का वन कितना आ गया उनतीस, समझ में आया। चलो इसको क्या करना है उतारना है, तो उतारो समझाने का काम हम कर लिए, क्या कहते हैं समझाने वाला मेन काम यहीं पे है, साइन को हम लोग कॉस में बदलने के लिए क्या करेंगे नब्बे माइनस थ्री, देखो यहाँ पे साइन रहेगा मान लो यहाँ पर, ठीक है कॉस होगा, लेकिन कॉस में दिया हुआ जिसको हम लोग क्या करेंगे साइन में बदलेंगे ना, समझ में आया। उसको यहाँ पे यूज की साइन में था तो इसको कॉस में बदले तो नब्बे माइनस थ्री लिखे, जब इधर कॉस कॉस है तो क्या हट गया दोनों, फिर उसको सॉल्व कर लिए तो आंसर आ गया। तो इसको जल्दी से उतारो फिर आगे बताएंगे, ठीक है। चलो इसको एक बार क्या करते हैं साफ कर लेते हैं, ठीक है चलो इसको साफ कर लेते हैं। चलो उदाहरण ग्यारह देखते हैं कि कॉट पचासी प्लस कॉस 75 को, मैंने 75 हिंदी बोलो वो जरूरी है, कॉट पचासी प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। देखो कॉट 85 है और कॉस 75 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो कॉट क्या करेंगे 90, 90 से इसको हटाएंगे, 5 घटाएंगे तब ना 90 से, देखो यहाँ पे अगर हम लोग मान लिखते मान लो तो कितना होता, कॉट 85 है ना रहा, उसको सिर्फ सजा के लिख दी, समझ में आया। देखो इधर देखो प्लस यहाँ पे कॉस है, कॉस में क्या करेंगे 90 माइनस 15, अब कॉस कॉस की जगह कॉस रहा, अब 90 में 15 गया तो 75 है ना हुआ, सिर्फ इसको क्या किए सजा के लिख दिए, जैसे मेकअप करके लिख आता है ना रे दुल्हन, देखो इसी तरह इसको क्या किया मेकअप करके मेकअप के फॉर्म में इसको सजा दिया, ठीक है कॉस 85 प्लस कॉस 75 को। अब देखो इधर क्या बता रहे हैं, देखो कॉस 85 किस में बदल जाएगा 10 में, 10 होगा ना रे, तो देखो 10 कितना डिग्री हो जाएगा यहाँ पे 5 डिग्री होगा, प्लस कॉस किस में बदल जाएगा साइन में, देखो यार यहाँ पे इसीलिए तो मिटाया नहीं, तो यहीं पर आने दी, तो फॉर्मूला है कम से कम दो चार बार देख के तुम लोग को याद होगा, इटो कितना हो गया 15 डिग्री हो गया और इटो क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ पे तुमको एक बार बदलने भी सिखा दिया, इसलिए उदाहरण से पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है बहुत सारा मास्टर या बहुत सारा टीचर अब बता दे कित बोल दिया बहुत सारा मास्टर क्या करता है ये सबको नहीं बताता है किसको उदाहरण सबको, क्योंकि उदाहरण सब किसने दिया होता है कि तुम इससे कुछ सीखेगा कुछ समझेगा तब ना, इसीलिए तुम्हारा इटो दिया हुआ रहता है, तो इसको बना लेना बहुत जरूरी है उदाहरण सबको। तो ये उदाहरण आज को हम बता दिए, अब जो डे 10 में बताएंगे ठीक है उसमें हम क्या बताएंगे 8.3 का बता देंगे, ठीक है ना 8.3 में देख लेते हैं क्या क्या है 8.3, तो क्या करेंगे 7 को है इसको डे 10 में बता देंगे, क्वेश्चन कितना को है 7 को, 7 को लगभग खत्म करने का कोशिश करेंगे, ठीक है और एक दिन डे 4 बता देंगे, बस पूरा क्या होगा खत्म हो जाएगा, समझ में आया। अरे सॉरी 8.4 बता देंगे, हाँ तो पूरा क्या होगा खत्म हो जाएगा 8.1 चैप्टर टू, फिर 9 चैप्टर टू भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे हर एक साल एक क्वेश्चन आता है, जैसे आंधी आने से पेड़ टूट जाता है तो प्रत्येक साल आंधी आता ही है और प्रत्येक साल पेड़ टूटता ही है, तो इससे एक क्वेश्चन जरूर आता ही है, समझा देखो तो उसको हम बता देंगे पहले डे 10 में बता देते हैं 8.3, ठीक है कल को वही वाला बताएंगे 8.3, समझ में आया। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।